भी सिंपल है, मैं एक एक करके सवाल पूछूंगा और जिसको भी आंसर आता होगा प्लीज अपना हाथ रेज कर लेना, मैं उनसे पूछूंगा, ठीक है। हमारा पहला सवाल, योग की शुरुआत कहां से हुई? Where did yoga originate from? हाँ, इंडिया। जी हाँ, बिल्कुल ठीक। हमारा अगला क्वेश्चन है, फादर ऑफ योगा किसे कहा जाता है? Who is regarded as the father of yoga? अब इसका जवाब कौन देना चाहेगा? हाँ, आप। महर्षि पतंजलि। जी हाँ, बिल्कुल सही, जोरदार तालियां। अब महर्षि पतंजलि के बारे में हमें बताएंगे हमारे योग एक्सपर्ट आशुतोष श्रीवास्तव जी। सर हाँ नमस्कार, ऋषि पतंजलि हमारे योग के फादर माने जाते हैं। उन्होंने योग सूत्र की रचना की जिस पे आधारित अष्टांग योग जो इस देश में और सारे विश्व में प्रचलित है उस पे आधारित योगा, अष्टांग बेस पे आधारित योगा को हम फॉलो करते हैं। तो इसी से रिलेटेड अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि अष्टांग योग के कितने चरण होते हैं? अष्टांग योग के 8 चरण होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर। अब अष्टांग योग के चरण कितने होते हैं तो बता चल गया हम लोग को, ये कौन कौन चरण होते हैं ये किसको पता है? हाँ सर प्लीज आइए। अष्टांग योग के 8 चरण होते हैं, पहला यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और अंतिम समाधि। बहुत बेहतरीन, बिल्कुल सही जवाब। तो बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस साल के किस दिन मनाया जाता है? ऑन विच डे ऑफ द ईयर इज इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेटेड? कौन बताना चाहेगा? हाँ आप, प्लीज आप बताइए। हाँ माइक। 21 जून। 21 जून, सही बताया इन्होंने। हाँ बिल्कुल सही बताया, गुड, बिल्कुल सही आंसर दिया इन्होंने। कोई ये बता सकता है कि 21 जून को ही क्यों मनाया जाता है ये? 21 जून को ही हम इसे इसलिए मनाते हैं क्योंकि ये साल का सबसे बड़ा दिन है। जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर है। अगला सवाल, पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया था? When was the first international yoga day celebrated? कौन बताना चाहेगा? हाँ सर प्लीज आप बताइए। माइक प्लीज। पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया था? 21 जून 2015 को। अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रस्ताव यूनाइटेड नेशंस में कब पास हुआ? When was the motion for international yoga day passed in the United Nations? इसका आंसर कौन देना चाहेगा? मेरा नाम गुंजन है, 11 दिसंबर 2014 को पास हुआ था। बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल सही आंसर, बहुत सही। इसके बारे में कोई और भी इलैबोरेट करना चाहेगा कि? हाँ प्लीज, हाँ बताइए बताइए, आगे आइए प्लीज। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यूनाइटेड नेशंस में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रपोज किया था और यूनाइटेड नेशंस के इतिहास में ये इस प्रपोजल को सबसे ज़्यादा देशों ने इसके को स्पॉन्सर हुए थे। 193 कंट्रीज़ में से 175 कंट्रीज़ ने इसको को स्पॉन्सर किया था, तो काफ़ी विशेष और गौरव की बात हमारे देश के लिए है कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने इसको सपोर्ट किया था। थैंक यू। सही आंसर, प्लीज तालियां जरूर होनी चाहिए इसके लिए, बहुत अच्छा, बिल्कुल सही। व्हाट इज द थीम फॉर इंटरनेशनल योगा डे 2019? इसका आंसर किसके पास है? हाँ प्लीज आप सर। माइक। इस बार की जो थीम रखी गई है क्लाइमेक्स एक्शन। क्लाइमेट एक्शन, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल है, योग किसकी बेहतरी के लिए होता है? ए शरीर, बी मन, सी आत्मा या डी ये सभी? अरे सबको आता है। हाँ प्लीज आप बताइए। माइक। डी सभी। सभी, वेरी गुड, नाइस। हम लोग योग के द्वारा अपने मन, शरीर और आत्मा तीनों को एक साथ बाइंड करते हैं और उसको हृदय से अनुभूत करके तब उसको हम उसका फ्लो में अभ्यास करते हैं। तो इस तरह से हम अपने तीनों मन के शरीर, मन शरीर और आत्मा तीनों को आपस में जोड़कर योगाभ्यास करते हैं। सूर्य नमस्कार में कितने स्टेप होते हैं? सूर्य नमस्कार में 12 स्टेप्स होते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा जवाब, बिल्कुल सही, बहुत अच्छा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग, योग की कौन सी प्रक्रिया हमारे जीवन शक्ति
या प्राण को नियमित करने में मदद करती है। विच एक्सरसाइज इन योगा हेल्प्स इन कंट्रोलिंग आवर लाइफ फोर्स ब्रेथ एंड एनर्जी? अष्टांग योग में प्राणायाम की क्रिया हमारे शरीर के प्राण शक्ति को संतुलित करती है और नियमित करती है। बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल सही आंसर। भारत में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है? आयुष मंत्रालय द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वॉज एस्टैब्लिश इन 2014 टू इंश्योर डेवलपमेंट एंड प्रोपगेशन ऑफ सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन एंड हेल्थ केयर। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, इस बार थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। किस वेद में योग का उल्लेख किया गया है? कौन से वेद में योग का मेंशन किया गया? इसका आंसर कौन देना चाहेगा? सर हाँ प्लीज। योग का संदर्भ सबसे पहले हमारे सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद में इसका संदर्भ आया है। मेरे ख्याल से लगभग सभी आंसर आप लोग ने दे ही दिए हैं, तो बस खत्म करते हैं और आखिरी सवाल पर हम लोग आते हैं। आखिरी सवाल हमारा है, पश्चिमी दुनिया में पहली बार एक विश्व धर्म संसद शिकागो अमेरिका में योग को किसने संबोधित किया? Who informed the Western world about yoga during a speech in America at Chicago in the Parliament of Religions? ये शिकागो में सबसे पहले स्वामी विवेकानंद जी ने इसको किया था 1893 में। जी हाँ बिल्कुल सही, आपने डेट भी बता दी 1893 में। एक बार सब लोग प्लीज अपने लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। तो आज के हमारे शो के लिए हम स्पेशल थैंक्स देना चाहेंगे हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट की एक हार्टफुल टीम को। प्लीज जोरदार तालियां बजाइए अपने लिए। स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः योगोत्सव में, जो आज सुबह से दूरदर्शन उत्तर प्रदेश में पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आपकी सूचना के लिए बता दूं कि आज 200 से अधिक देशों में हजारों स्थानों पर करोड़ों लोग एक साथ योग कर रहे हैं और इसका श्रेय जाता है इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को। सन 2014 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में उनके दिए भाषण के बाद, उनके दिए गए प्रस्ताव के बाद, सन 2015 से अनवरत अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है और आज पांचवां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, जिसे हम भी पूरे हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। दूरदर्शन उत्तर प्रदेश में सुबह 6 बजे से योग की धूम है, मची हुई है धूम, और उसको आगे बढ़ाने के लिए, और अब जबकि अपने कार्यक्रम के अंतिम आधे घंटे में हम पहुंच चुके हैं, हमने बहुत रिच पैनल हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमारे साथ हैं प्रसिद्ध लेखक, विचारक, दार्शनिक, वक्ता और उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष माननीय श्री हृदय नारायण दीक्षित जी। अध्यक्ष जी बहुत बहुत स्वागत है आपका दूरदर्शन उत्तर प्रदेश के सेट पर। और हमारे साथ हैं श्री सुनील दत्त तिवारी जी, जो योग प्रशिक्षक हैं और सुल्तानपुर से इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए हमारे बीच आए हैं। बातचीत की शुरुआत दीक्षित जी मैं आपसे करना चाहूँगा कि सामान्य सा प्रश्न है, सब लोग जानते हैं कि योग का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, सब लोग अलग अलग तरह से जानते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आप हमें बताएं कि योग का प्रादुर्भाव शास्त्रीय रूप में कैसे हुआ माना जाता है। भारत के राष्ट्र जीवन में योग की धारणा और योग का विज्ञान हजारों वर्ष प्राचीन दिखाई पड़ता है। योग के तमाम विद्वानों ने योग के प्रथम वक्ता के नाम के रूप में हिरण्यगर्भ को उद्धृत किया है। हिरण्यगर्भ एक देवता हैं जो ऋग्वेद के पहले मंडल में स्तुतियां पाते हैं और माना जाता है कि वही इस पूरे ब्रह्मांड के, पूरी सृष्टि के, दृश्य जगत के, अदृश्य जगत के, काव्य जगत के, कल्पित जगत के, और जहाँ तक हमारी दृष्टि और विचार नहीं जाता उस जगत के भी कर्ता धर्ता ऋग्वेद में आया पतिरेक आसीत, वही स्वामी थे। अच्छा, उसके बाद ऋग्वेद के अनेक मंत्रों में योग की उपस्थिति दिखाई पड़ती है।
एक मंत्र में कहते हैं कि यह हमारा मन जो बहुत दूर चला गया है, आकाश की तरफ कभी, वन की तरफ कभी, नदियों की तरफ कभी, पर्वतों की तरफ जो बहुत दूर चला जाता है मन, इस मन को हम बार बार यहीं पर बुला लेते हैं। इसी प्रकार यजुर्वेद के 11वें अध्याय के प्रथम हिस्से में शुरुआती मंत्रों में कहा जाता है कि जो हमारा मन है, यह मन कभी उदासी मन में आती है, कभी विषाद मन में आता है, कभी कष्ट मन में आता है, इस मन की सारी शक्तियों को हम एक जगह लाते हैं। तो ये सारे संकेत ऋग्वेद के, यजुर्वेद के, अथर्ववेद में फिर बड़ी लंबी प्रणाली है, ऐसा दिखाई पड़ता है। और हमारे दो उत्तर प्रदेश के और भारत के लोक मन के राजा हैं, एक श्री राम, एक श्री कृष्ण जी। श्री कृष्ण तो अर्जुन को गीता का उपदेश देते हैं और गीता का 60% हिस्सा योग विज्ञान की ही अभिव्यक्ति है, और श्री राम भी वशिष्ठ से योग का मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। तो हमारे राष्ट्र जीवन में जो बड़े बड़े हमारे महानायक हैं, वह भी योग से जुड़े रहे। माना जाता है कि ईसा के लगभग 200 वर्ष पहले पतंजलि ने समस्त प्राचीन योग विज्ञान को व्यवस्थित किया जी, जी। और फिर योग सूत्र रचे, और योग सूत्र की शुरुआत ही होती है अर्थ योगानुशासन की, अब आप डिसिप्लिन में आइए, हम डिसिप्लिन में आ गए हैं, अब योग की चर्चा सब इस बारे में आपसे हम बात करते हैं। तो मन की बात की अध्यक्ष जी ने, तो मन से मुझे याद आया कि मन ही मन को जानता, मन ही मन का मीत, मन ही मनमानी करे, मन की अद्भुत रीत, मन झूमे मन बावरा, मन की अद्भुत रीत, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो भला इस मन को काबू रखने में योग का, आसनों का क्या महत्व हो सकता है, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे सुनील दत्त तिवारी जी से कि ये अष्टांग योग क्या है और मन को काबू में कैसे करें। देखिए, महर्षि पतंजलि जी, जिनको आजकल आधुनिक जनक बोला जाता है योग का, उन्होंने योग सूत्र लिखा, उसमें अष्टांग योग जो कि बहुत फेमस हुआ, चूँकि बहुत ही बड़ा आधार है योग का, उसमें नाम से स्पष्ट है 8 अंग होते हैं। पहला यम है, दूसरा नियम है, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, और 8वां है समाधि। आज जो हम योग की बात करते हैं, वो सिर्फ हम आसनों की बात करते हैं। आज जो भी चीज़ें हुई होंगी वो विशुद्ध रूप से सब आसनों पर निर्भर रही होंगी। योग सिर्फ आसन नहीं है, आसन उसका एक अंग मात्र है। उसमें यम, जिसकी 4-5 चीज़ें होती हैं, अहिंसा यानी मन, वाणी और कर्म से किसी को दुख न पहुंचाना, किसी को कष्ट न पहुंचाना, ये अहिंसा होती है। दूसरा है अस्तेय यानी मन, वाणी और कर्म से कहीं किसी तरह की चोरी न करना। अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह न करना। इस तरह से यम अगर विधिवत कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में उतार ले, उसके बाद हमारे पास नियम है, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर परिधान, ये 5 चीज़ों को फॉलो करें, तब वो आसन पर आता है, तो व्यक्ति शरीर और मन दोनों को स्वच्छ और पवित्र कर पाता है और योग का बेहतर लाभ ले पाता है। और आसन के बाद प्राणायाम, आसन के बाद हम प्राणायाम करते हैं जो कि आंतरिक अंगों के लिए होता है निश्चित तौर पर। उसके बाद हमारा प्रत्याहार आता है, जिसमें हम इंद्रियों की बात करते हैं, अपनी वायुमुखी इंद्रियों को अंतर्मुखी बनाते हैं। फिर ध्यान से पहले धारणा है, ध्यान डायरेक्ट हो ही नहीं सकता, सबसे पहले आप कहीं कुछ भी फोकस करते हैं, कंसंट्रेट करते हैं, तो आप धारणा करते हैं किसी चीज़ की, और धारणा पहली सीढ़ी होती है ध्यान की। उसके बाद हम ध्यान पे जाते हैं और फिर अगली सीढ़ी या मंजिल कह सकते हैं समाधि, समाधि और निर्बीज समाधि, और उसमें भी 2 तरह की समाधि, सबीज और निर्बीज समाधि। तो सोचिए मित्रों कि हजारों वर्ष पुरानी भारतीय सभ्यता कितनी विकसित थी, ये सोचिए। हजारों वर्ष पहले पतंजलि का योग सूत्र आया था, जिसमें इतनी बड़ी बातें की गई थी, जिसके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं कि ये सब कुछ यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये आधुनिक जगत के लिए कितना अनुकूल है और कितना आवश्यक है। मैं दीक्षित जी से जानना चाहूँगा कि अथ योगानुशासनम पर हमारी बात खत्म हुई थी, समाप्त हुई थी पिछली बार जो आपसे हम कर रहे थे, तो अनुशासन से अभिप्राय यहाँ पर क्या है। व्यक्ति स्वयं के द्वारा शासित, नियंत्रित है तो यह हुआ अनुशासन। अनु शब्द इस्तेमाल होता है, किसी शब्द के पहले लगा दिया जाता है तो वो छोटा हो जाता है, जो मूल विषय है उसका पिछलग्गू हो जाता है। तो एक तो शासन है,
शासन का अर्थ राजा का शासन, वर्तमान काल में पुलिस का शासन, किसी बड़े का शासन, किसी दबंग का शासन, उसके दबाव में हम काम करते हैं। और अनुशासन अर्थात हमारे भीतर जो अनु है, हम अपने भीतर के अनुसार स्वयं शासित हो गए हैं, हमारा कोई दूसरा स्वामी नहीं है, इसे अनुशासन कह सकते हैं। पतंजलि का पहला सूत्र है अथ योगानुशासन, कि योग की कोई क्रिया ज्ञान से, जिज्ञासा से, चर्चा, उसकी चर्चा से ही नहीं संभव है, वो तो करने से ही संभव है। तो पतंजलि पहले ही बता देते हैं कि अनुशासन में आइए, और आगे बताते हैं योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। मुख्य बात है कि योग है क्या, और पतंजलि के सारे सूत्र विज्ञान और बीजगणित जैसे सूत्र हैं, उनमें कहीं कोई कल्पना, उनमें कहीं कोई अंधविश्वास नहीं है, वह वैज्ञानिक फार्मूले हैं। और वह बताते हैं योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, कि योग है क्या, जो हमारे चित्त की वृत्ति है, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी बैठे यहाँ हैं और सोच रहे हैं देश के दूसरे कोने की, बैठे वहाँ हैं जहाँ के बारे में सोच रहे हैं, फिर यहाँ आ गए, तो ये हमारी चित्त वृत्तियाँ पांच तरह की पतंजलि ने बताई। और ऐसा उन्होंने बताया कि इनके कारण ही हम क्लेश में, दुख में जाते हैं, और अगर इनको हम समझ लें और इनसे हमारी दूरी हो जाए, इनको पृथक कर लें, तब चित्त स्वयं में स्थित होता है। और जब किसी का भी चित्त स्वयं में स्थित होता है तो उसे स्वस्थ कहते हैं, जैसे गृहस्थ जो ग्रह में स्थित है, स्वस्थ स्वस्थ जो स्वयं के भीतर, तो स्वस्थ का अर्थ लोग लेते हैं कि बीमार ना होना, बीमार ना होना, कोई किसी बीमारी का ना होना ये स्वास्थ्य नहीं है, बीमारी का ना होना तो बीमारी का अभाव है, और लेकिन स्वस्थ होना ये स्वयं में उल्लास का भाव है, जो स्वयं में स्थित हो, स्वयं में स्थित हो। जी, बहुत अद्भुत व्याख्या आपने की। मित्रों, समय बहुत तेजी के साथ गुजर रहा है, हम ये सब जानते हैं, तो क्यों ना हम जल्दी से सुनील दत्त तिवारी जी से प्रश्न पूछ लें, क्योंकि वो योग गुरु हैं, कि तमाम बीमारियों के लिए अलग अलग आसन बताए गए हैं, डायबिटीज के लिए अलग है, ब्लड प्रेशर के लिए अलग है, तो आप क्या हमें, वैसे सुबह से इस विषय में चर्चा हमारी जारी है, लेकिन आप क्या उसे समअप कर सकते हैं, क्या बता सकते हैं हमें, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर जैसे जो राजयोग हैं, उनकी कौन कौन से आसन हैं? बहुत बढ़िया सवाल है, और बड़ा चर्चित सब्जेक्ट है आजकल का, और आगे 10-20 सालों में हम लोग नहीं सुधरे तो भारत जो है डायबिटीज़ की राजधानी बन जाएगा। डायबिटीज़ में कुछ नहीं होता, एक्स्ट्रा शुगर हमारे शरीर में बनने लगती है, और उसकी दुनिया में कोई दवा नहीं है, कोई भी ऐसी पैथी नहीं है जिसमें आप कहें कि उसको खा लिया जाए और डायबिटीज़ ठीक हो जाएगी। उसके लिए हमारे यहाँ योगाभ्यास हैं, वो भी क्योर जैसी बात हम नहीं कह सकते, लेकिन आपकी व्यवस्था को, जो शरीर की व्यवस्था है, उसको उतने पे वो रोक देते हैं जिससे आपकी शरीर में कोई समस्या नहीं आती। और उसके लिए बहुत ही जो सबसे अच्छा हम लोग आसन बताते हैं वो मंडूक आसन है। मंडूक को, मेढक को संस्कृत में कहते हैं, उसमें मेढक की आकृति होती है, जो हमारे शरीर में पैंक्रियाज होती है, वहाँ पे हम दोनों हाथों को प्रेस करते हैं और पैंक्रियाज को प्रेस करते हैं, इंसुलिन का सिक्रीशन प्रॉपर होने लगता है, तो जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज बनती है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो मंडूक आसन सबसे सटीक चीज़ होगी। दूसरा अर्ध मत्स्येन्द्रासन है, ये भी डायबिटीज़ में बहुत कराया जाता है। और तीसरा मूल मंत्र जो डायबिटीज़ वालों के लिए मेरा दूरदर्शन चैनल के माध्यम से है, कि जितना ज़्यादा वो शारीरिक श्रम करेंगे अपने दैनिक दिनचर्या में, जितना ज़्यादा शारीरिक श्रम जोड़ लेंगे, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज बन रही है उसको खर्च कर दें, उनको कभी कोई समस्या इससे आगे भविष्य में नहीं आएगी। जी, बहुत संक्षेप में और आपने बहुत सारगर्भित बात बताई सुनील जी। दीक्षित जी से हम ये चर्चा करना चाहेंगे, हम सब जानते हैं कि योग का मतलब हम ये समझते हैं कि किस प्रकार से तमाम आसन किए जाएं, लेकिन आप सब जानते हैं योग का मतलब जोड़ना होता है, लेकिन योग शब्द गीता में कई प्रकार से आया है, कृपया हमें बताएं, गीता में योग कई प्रकार से प्रयोग हुआ है, विषाद योग तक उसमें है, तो थोड़ा विस्तार से हमें उसके बारे में बता दें। गीता में भक्ति भी योग है, और भक्ति हमेशा दो से शुरू होती है, एक भक्त एक भगवान, एक भक्त दूसरा देवता, जब तक दो नहीं होंगे तब तक भक्ति संभव नहीं होगी। प्रेम में भी दो होते हैं, प्रेम में दो होते हैं, लेकिन अगर वो दोनों मिलते 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 योग में सिद्ध हो जाएं तो एक हो जाते हैं। इसी तरह भक्ति में भी भक्त श्रद्धा बढ़ाते हुए अपने प्रेम की पींगें और आकाश तक पहुँचाते हुए भगवान के पास पहुँचता है, तो भक्त और भगवान एक हो जाते हैं, या तो भगवान नहीं बचता या भक्त नहीं बचता, दोनों मिलकर योग हो जाते हैं। और इनका दोनों का योग, भक्त और भगवान का योग मिलना, यह योग है। हमको कोई ऐसी वस्तु मिले
जिससे हमारा जीवन समर सकता है, तो ये संयोग है। उस वस्तु का हम ठीक से अपने जीवन में काम में ला सकें तो ये सदुपयोग है। ज्योतिष में ग्रह नक्षत्रों का मिल जाना यह ग्रह योग है। आयुर्वेदिक दवाइयों में तमाम चीज़ों की जड़ी बूटियों का उचित रूप में मिला देना वैद्य द्वारा, यह भी एक विशेष प्रकार का योग है। गीता में कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि दुख संयोग से पृथक हो जाना, दुख संयोग से वियोग ही योग है। ये पूरा का पूरा श्लोक है, हम दोहराए देते हैं, दुख संयोग से वियोग योग है। जब पूरी गीता की कथा संजय धृतराष्ट्र को सुना रहे थे, पूरी बात खत्म हो गई थी, तब ये बड़ा सुंदर सा प्रसंग याद आ गया है आपके जी प्रश्न के जी, उत्तर में जरूर। तो उन्होंने पूछा वहाँ नतीजा क्या होने वाला है, संजय से धृतराष्ट्र ने पूछा, तो उन्होंने परिणाम पहले ही बता दिया, यत्र योगे स्वराह कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा। जिधर अनुवाद में लोग कहते हैं जिधर कृष्ण हैं और जिधर अर्जुन हैं उधर ही विजय होगी, लेकिन इसमें ये देखना चाहिए कि गीताकार कहता है यत्र योगे स्वराह कृष्णो, केवल कृष्ण के कारण जीत नहीं हो रही, कृष्ण योगेश्वर हैं इसलिए जीत हो रही। और दूसरी बात, वो अर्जुन के पहले विशेषण लगाता है यत्र पार्थो धनुर्धरा, कि उनके पास धनुष बाण है इसलिए जीत हो रही। तो मुख्य बात है योग, और कृष्ण बार बार योग की साधारण बातें भी बताते हैं। गीता में बताया गया है कि एक कोई ऐसी जगह ढूंढिए जहाँ पर सुंदर हवा चल रही हो, फिर कोई आसन बिछाइए जिसमें आप आराम से बैठ सकते हो, फिर भवों को सीधा करिए। छोटी छोटी बड़ी फुटकर बातें भी गीता में बताई गई हैं। अगर गीता को केवल भक्ति का ही ग्रंथ मान लें, गीता को मान लें कि ये भगवान तक पहुंचाने वाला है, लेकिन उसमें तो भौतिक जगत की, शरीर को ठीक करना, मन को ठीक करना, बुद्धि को ठीक करना, प्रज्ञान को ठीक करना, ज्ञान को ठीक करना, पूरी अंतर यात्रा गीता में बताई गई। और जब अर्जुन हाँ कहता है कि हाँ योग तो हमारी समझ में आ गया है, और जहाँ जहाँ नहीं आता, एक प्रश्न बड़ा सुंदर अर्जुन कहता है, जब वो कहते हैं मन को केंद्रीभूत करो, तो अर्जुन कहता है चंचलम ही मना कृष्णा प्रमाथि बलवत दृढ़म तस्य अहम निग्रह मन ने वायुरप दुर्लभम। मन को केंद्रीभूत करना, मन को एक सेंटर पर लाना और सेंट्रलाइज कर देना, एकाग्र कर देना, यह बड़ा ऐसा मुझे कठिन लगता है हे कृष्ण, कि जैसे कोई वायु पकड़ने का काम हम कर रहे हों। तब वो बताते हैं कि अर्जुन ये सब करो, और फिर भी उसको असमंजस में देखते हैं, तो कहते हैं तस्मात योगी भव अर्जुन, हे अर्जुन उत्तिष्ठ खड़े हो जाओ और योगी बन जाओ। तो योग इस ब्रह्मांड की समस्त शक्तियों के साथ अपनी योजकता को जोड़ देना है। जैसे हमारा मोबाइल, हम दिन भर बात करते हैं और वो उसकी बिजली धीरे धीरे समाप्त हो जाती, प्लग में लगा देते हैं तो फिर मोबाइल तरुण हो जाता है, जवान हो जाता है, फिर हम काम लेने लगते हैं। ऐसे ही हमारी दिनचर्या दिन भर की पहले की तुलना में विश्व के सामने अनेक चुनौतियां हैं, भारत के सामने ऐसी चुनौतियां रही ही हैं, लेकिन भारत में इस ज्ञान का जन्म हुआ, भारत में इस ज्ञान का विकास हुआ, और भारत में ही इस ज्ञान को भारतीय धर्म साधना से जोड़कर अपमानित करने के प्रयास होते थे जब जब इसकी चर्चा होती थी। लेकिन माननीय मोदी जी ने इस विषय को पूरी गंभीरता के साथ उठाया, और सारी दुनिया इस ज्ञान को मान रही है, भारत को इस पर गर्व है, लेकिन भारत को चाहिए कि ये स्वयं भी, भारत के लोग इसका अनुसरण करें और योग से जुड़े, इससे राष्ट्रीय सामर्थ्य बढ़ेगी और राष्ट्र भी शक्तिशाली होगा। अलग अलग इकाइयों में हम भारत के लोग भी शक्तिशाली होंगे, हम समझते हैं कि है इतना पर्याप्त। हत्वा वा प्राप्स्यसे स्वर्गम, जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम, तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय। अर्थात मारे गए तो स्वर्ग मिलेगा और जीत गए तो पृथ्वी का भोग करोगे, अतः हे कुंती के पुत्र अर्जुन उठो। सचमुच गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसे जब पढ़ा जाए तब वो नया नजर आता है और जीवन जीने की प्रेरणा देता है। जिन्होंने अपने टीवी सेट्स देर से खोले हैं, डीडी यूपी को देर से ट्यून किया है, उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस समय दूरदर्शन उत्तर प्रदेश पूरे देश में जिस प्रकार योग का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज मनाया जा रहा है, तो डीडी यूपी भी
सुबह 6 बजे से योगोत्सव के इस विशेष लाइव टेलीकास्ट को प्रसारित कर रहा है, लाइव टेलीकास्ट कर रहा है। और उस अपने योगोत्सव के लगभग अंतिम आधे घंटे में समय हम हैं और इस समय बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष श्री हृदय नारायण दीक्षित और योग प्रशिक्षक श्री सुनील दत्त तिवारी जी से। तिवारी जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आप योग को प्रैक्टिस करते हैं, लोगों को योग सिखाते हैं, आसन सिखाते हैं, तो कृपया हमें ये बताइए कि योग करने से पहले, योग करते समय और योग करने के बाद किन किन मुख्य बातों का ध्यान सबको रखना चाहिए? बेहद महत्वपूर्ण सवाल है ये, बहुत कॉमन सवाल भी कह सकते हैं, लेकिन है बेहद महत्वपूर्ण। कभी कभी हम अभी भी अपने लाइफ में देखते हैं कि लोग हमें कहीं भी मिल जाते हैं, कहते हैं हमारा पेट निकला है, हमें यहीं आसन बता दीजिए। तो इस तरह से योगाभ्यास के सिद्धांत हैं नहीं। योगाभ्यास करने से पहले कुछ तैयारी होती है, करते समय किन बातों का ध्यान रखना है, और योगाभ्यास का जब सेशन ख़त्म होता है तब भी आपको क्या क्या करना है, दो तीन लाइनें तीनों की हम बिल्कुल टच करेंगे। योगाभ्यास करने से पहले सबसे बड़ी ज़रूरत है कि आपका पेट खाली होना चाहिए। किसी भी कंडीशन में कोई भी आसन सिवाय वज्रासन के हम खाना खाने के बाद नहीं कर सकते। तो पहली कंडीशन है 4 से 5 घंटे का गैप खाना खाने के बाद होना चाहिए अगर आप योगाभ्यास करना है तो। इसीलिए सुबह का समय बड़ा अच्छा माना जाता है कि आदमी खाली पेट रहता है और सुबह उठ के वो योगाभ्यास करता है। योगाभ्यास शाम को भी कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन है खाली पेट होना चाहिए। दूसरी कंडीशन, कभी भी योगाभ्यास बिना प्रशिक्षक के, बिना किसी के मार्गदर्शन के, जो योग योग्य प्रशिक्षक हो, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि इससे दुर्घटनाएं बहुत होती हैं, लोग जान नहीं पाते हैं। सबको ये होता है कि योगाभ्यास में व्यायाम है, कुछ भी कर लिया और सब योगा हो गया, ऐसा नहीं। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ, किसी की पीठ कमर या गर्दन में दर्द है और उसको आगे झुकने का आसन करा दिया जाए तो उसका दर्द निश्चित तौर पर बढ़ जाएगा। और वहीं पर अगर हम बैकवर्ड बेंडिंग कर दें, चाहे भुजंगासन है, अर्धचक्रासन है, पृष्ठासन है, धनुरासन है, इससे उसका दर्द उसी समय थोड़ा सा कम हो जाएगा और धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए उचित गुरु की देखरेख में करें, खाली पेट करना चाहिए, वस्त्र ढीले होने चाहिए, नीचे चटाई बिछी होनी चाहिए, शांत वातावरण होना चाहिए। ये इंश्योर कर लें कि आसपास प्रदूषण ना हो, क्योंकि हम इसमें ब्रीदिंग का बड़ा अच्छा रोल होता है, और अगर आसपास प्रदूषण है तो आपके शरीर के अंदर जाएगा ब्रीदिंग के साथ। योग करते समय ये बहुत ही सहजता, सरलता और शिथिलता के साथ किए जाने वाले अभ्यास होते हैं, इसमें किसी तरह की एक्स्ट्रा ताकत नहीं लगाई जाती जब तक आपको उसका कोई अलग से इंस्ट्रक्शन न दिया जाए। दूसरा, कभी कभी ग्रुप में लोग करते हैं तो बगल वाला कुछ ज़्यादा अच्छा कर लेता है तो उसका कंपटीशन हमारे मन में आ जाता है, तो हम ज़बरदस्ती शरीर को तोड़ मोड़ देते हैं, उससे भी नुकसान होने के चांसेस होते हैं। और योगाभ्यास करने के बाद लोग कभी कभी तुरंत नहाने चले जाते हैं, या तुरंत पानी पी लेते हैं, या तुरंत खाना खाने लगते हैं, ये भी गलत है। 20 से 25 मिनट और हो सके तो 1 घंटे योगाभ्यास करने के बाद आप पानी पिए, खाना खाएं या तो स्नान करें। इन 3 चीज़ों का बेहद ध्यान रखना होता है किसी भी योगासन में, किसी भी योग सत्र में। बहुत धन्यवाद सुनील जी, आपने बहुत संक्षेप में बात बताई। मित्रों, हमारे साथ आज इस समय पैनल में श्री हृदय नारायण दीक्षित जी हैं, जो सामयिक विषयों पर अपनी सटीक टिप्पणी के लिए जाने जाते हैं। तो आपसे मेरे मन में एक प्रश्न आ रहा है, मैं पूछना चाहता हूँ कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हिंदी में है, वो अंग्रेजी में इंटरनेशनल योगा डे हो गया है, तो योग से योगा तक की यात्रा को आप किस रूप में लेते हैं? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी मान्यता का होना, ये तो भारत के प्रत्येक युवा के लिए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए गर्व का विषय है। और प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये काम हुआ, इसलिए उनको शुभकामनाएं बार बार देने का विषय है। अपने देश में और प्रायः अंग्रेजी की कठिनाई है, ये अच्छा ही हुआ कि योग को योगा करके काम उन्होंने चला दिया, नहीं पता नहीं क्या अनुवाद कर देते अपने यहाँ कृष्ण को भी कृष्णा कह देते हैं। योग तो योग है, उसके और राम को रामा भी कहते हैं, राम को रामा भी कह देते हैं। लंदन के एक प्रोफेसर A.L. बासम ने किताब लिखी है, दी वंडर दैट वाज इंडिया, भारत के अद्भुत भारत के नाम से उसका हिंदी अनुवाद हुआ है। उसमें उन्होंने योग की बड़ी विस्तार से चर्चा की और बताया है कि इसका प्रतिरूप उनके यहाँ लंदन में योग है, योग। तो उन्होंने बताया है उस किताब में, आपने पूछा तो उस किताब का ध्यान आया, तो उन्होंने बताया कि ऐसा है। अब योगा कह रहे हैं तो ठीक है बात, तो वो उसका नाम उच्चारण में योगा रहे, उसका नाम उच्चारण में योग रहे, बात वहीं जाती है जो ऋग्वेद का ऋषि
सर्वप्रथम गा रहा है कि जो लोग जागते हैं, जो लोग योग के कारण जाग गए हैं, जिनकी अंतः चेतना जाग गई है, ऋचा मंत्र और सामगान उनके हृदय में उतर जाने को उतावले होते हैं। सामगान वैदिक साहित्य में आया बहुत अतिरिक्त उल्लास के लिए, बहुत सुंदर गीत के लिए, जहाँ पर ज्ञान कविता बन जाता है और कविता बनकर हृदय में उतरता है, आनंद मगन कर देता है पूरे शरीर को, बाह्यांतर भीतर भी लगता है कि उत्सव सज गया है, उल्लास आ गया है, और बाहर भी हमारी परिधि पर भी शरीर हमारी परिधि है और आत्म प्राण हमारा केंद्र है, तो प्राण से केंद्र से उठा हुआ उल्लास और बाहर परिधि पर आता है, तो एक ऐसा उत्सव है प्रधानमंत्री जी के कारण, दुनिया की मान्यता के कारण, जिन देशों ने इसको माना है उनके प्रति भी धन्यवाद देते हुए, भारत आज एक महाउल्लास में है और उसका केंद्र है योग। योगा कहने में कोई कठिनाई नहीं है और ज़्यादातर लोग तो मुझे, जो मेरे मित्र राजधानी में मिलते हैं अंग्रेजी बोलने के, आधी अंग्रेजी टूटी फूटी बोलने के लोग, तो कहते हैं एक्चुअली हम तो फ्राइडे को योगा कर रहे थे रामदेवा वाला तो वो बढ़िया की मात्रा लगा देते, ठीक चलेगा, लेकिन उसमें चाहे योगा कहें चाहे योग कहें, बातें तो वही आएंगी, योग चित्तवृत्ति निरोधा, और पतंजलि बता गए हैं कि अगर ये सब हो जाएगा तो शरीर तो ठीक होगा ही, तस्य ऋतंभरा प्रज्ञा, अगर हम नहीं जाना चाहते समाधि में, निर्बीज में, सबीज में, तो हमारा ज्ञान प्रज्ञान रित से पूरे ब्रह्मांड से जुड़ जाएगा, और इसलिए योग है चमत्कार, देह विद्युत है, पूरी पूरे शरीर को, मन को, अंतस को छंदस के रूप में प्रस्तुत कर देना। आधुनिक समाज में अगर आप देखें तो जो हम रह रहे हैं, जिसे अंग्रेज मॉडर्न टाइम्स कहते हैं, आधुनिक समाज में सुख सुविधाओं की झड़ी लगी है हमारे सामने, आप कोई भी काम करना चाहते हो तो उस काम को करने के लिए तमाम यंत्र उपलब्ध हैं, विलासिता की संपूर्ण प्रबंध आज हमने कर लिए हैं, लेकिन ये ऐसा क्यों है कि आज हम सब, ये पूरी पीढ़ी अवसाद, कुंठा और निराशा की शिकार है? गहराई से मनन करने पर हम ये पाते हैं कि वास्तव में इसलिए है क्योंकि हम स्वयं से स्वयं को दूर करते जा रहे हैं, चूंकि हमारी आत्मा और शरीर में बहुत दूरी होती जा रही है, हम अंदर की यात्रा करने के बजाय, अंदर खुशी ढूंढने के बजाय बाहर विलासिता में खुशी ढूंढ रहे हैं, संभवतः यही वजह है कि 21वीं शताब्दी अवसाद, कुंठा और निराशा की बड़ी बीमारियों को जन्म दे रही है। सुनील दत्त जी, कृपया ये बताइए आप कि ये जो सबीज और निर्बीज समाधि होती है तो वो क्या है, और ये जो अष्टांग योग है उसका अंत वही वेद में, उसके बारे में आपसे हम बात करेंगे, लेकिन पहले आप हमें सामान्य रूप से बताएं। देखिए, समाधि दो तरह की बताई गई है पतंजलि योग सूत्र में, एक सबीज है, एक निर्वीज है, उसका नाम संप्रज्ञात भी कहा गया है, असंप्रज्ञात भी कहा गया है, और असंप्रज्ञात के तो चार प्रकार भी बताए गए हैं, सवितर्क, सानंद, सास्मित। तो इस तरह से संप्रज्ञात में जो समाधि का स्तर होता है, देखिए इसको हम थोड़ा सा और पहले चलते हैं, ध्यान से शुरू करते हैं, और हमने बताया धारणा ध्यान समाधि एक सीरीज बनाई गई है। पहले धारणा आती है जिसमें आपका शरीर होता है और किसी वस्तु पे आप अपनी एक धारणा बनाते हैं। ध्यान में क्या होता है कि हम उस पॉइंट और हम दोनों के बीच में वो पॉइंट भी धीरे से डिस्कनेक्ट कर दें, तत् प्रत्येकतांता ध्यानम महर्षि पतंजलि जी ने कहा है, और जो समाधि होती है उसमें जो ध्यान लगा रहा है वही गायब हो जाता है। कितने आनंद और कितनी मुश्किल अवस्था कही जा सकती है, और उस समाधि में भी जो कुछ नहीं बचा है, जो बीज तत्व बचा है अगर उसको भी खत्म कर दें, नाम से स्पष्ट है निर्बीज समाधि, तो एक परमावस्था है, एक अकल्पनीय अवस्था कही जा सकती है, जो कि आज के युग में ध्यान लगाना बहुत मुश्किल काम हो गया, धारणा करना बहुत मुश्किल हो गया है। तो ये बहुत ही हाई लेवल की बातें महर्षि पतंजलि जी ने उस समय कही थी कि जब हमारी बीज तत्व जो है वो भी खत्म हो जाए तो हम उसको निर्बीज समाधि कहते हैं। ठीक बात। अंतिम तीन मिनट हमारे पास शेष हैं, हम चाहते हैं आदरणीय दीक्षित जी से हम ये जानना चाहेंगे कि ऋग्वेद में क्या स्थितियां हैं, कुछ श्लोक उसके ऋग्वेद के अगर आप कोट करना चाहें या सामवेद के, और हमें बताना चाहें कि उस समय का समय कैसा था, ऋषि मुनि क्या करते थे, हमारे पूर्वज क्या सोचते थे, क्या करते थे, उनकी जीवनचर्या में योग अनुशासन कहाँ पर किस प्रकार का था। वैदिक साहित्य में अंतः जागरण पर बहुत जोर है और जागरण के लाभ बार बार ऋषि कवि बताते हैं। मैंने उल्लेख किया था, यो जागार तम रिचन्ते,
जो जागे हुए लोग हैं ऋचाएं उनकी कामना करते हैं, सामगान उनके पास चले आते हैं, जो जागे हुए हैं उनके जीवन में दुख नहीं आता, जो जागे हुए हैं वह हमेशा आनंदित रहते हैं, उल्लास में रहते हैं, यह ऋग्वेद का ऋषि कहता। अब यहाँ जो जागे हुए हैं तो वो जागरण योग का जागरण है। यजुर्वेद का ऋषि बार बार जागरण के फायदे बताता है और बताता है कि हमारा मन बार बार भागता है। यजुर्वेद में 6 मंत्र एक जगह पर एक साथ आए हैं जिन्हें शिव संकल्प सूत्र भी कहा जाता है, हाँ यजुर्वेद के मंत्र। तो उसमें भी बार बार यही बात बताई गई है कि हमारा मन चला गया बहुत दूर, हमारा मन दुख की ओर चला गया, और हे देव हमारा ऐसा मन तन्मे मना शिव संकल्प मस्तु, हमारा यह मन शिव संकल्प से भर जाए। ये यहाँ पर शिव भगवान शंकर या वो देवता नहीं, यहाँ शिव का अर्थ कल्याण है, आनंद है, कि हमारे मन को आप कल्याण से भर दें। फिर आता है कि हमारा मन तमाम असफलताओं की तरफ, तमाम विषाद की तरफ चला जाता है, और उन 6 मंत्रों का अंतिम वाक्य शुरू होता है हर बार तन्मे मना शिव संकल्प मस्तु, हमारा मन यह शिव संकल्प से पूरा का पूरा भर जाए। ऋग्वेद में बार बार इसकी चर्चा करते हैं कि सूर्य आता है, सूर्य उगता है, सूर्य चला करता है, गतिशील है, यह सूर्य हमको अपने तेज से ज्ञान से तत्सवितुवर्यणम भर्गो देवस्य धीमहि धियो योना प्रचोदयात। यह ऋग्वेद के 3रे मंडल में है कि जो प्रकाश है, जो ऊर्जा है इस समस्त ब्रह्मांड की, वह हमारी बुद्धियों को प्रेरित करे, हमको जागृत करे। तो ऋग्वेद में, यजुर्वेद में जागरण पर बहुत गहरा जोर दिया गया है जी, और यह जागरण का जोर व्यवस्थित रूप में योग के अनुशासन के रूप में प्रकट हुआ है बाद के तमाम ग्रंथों में, योग वशिष्ठ में, पतंजलि के योग सूत्रों में, हमारे तमाम भौतिक जीवन में, चरक के उसमें, आयुर्वेद के ग्रंथ में, और यहाँ तक कि जो नाट्यशास्त्र है वहाँ तक आया है, नाट्यशास्त्र भरत मुनि का नाट्यशास्त्र पूरा पूरा अभिनय का, संगीत का, कविता का है, और वह उसमें भी बताते हैं कि हम पूरा मटेरियल ऋग्वेद से ला रहे हैं और हम इस संसार को स्वस्थ प्रसन्न योगयुक्त बनाना चाहे। तो हम ये मान सकते हैं कि जो हमारा प्रचुर सनातनी साहित्य है, वो साहित्य जो हमारे ऋषि मुनि हमें दे गए, जो पूर्वज हमें दे गए, वो सभी साहित्य योग से भरा हुआ है और आनंदमय उल्लासमय जीवन जीने की हमको प्रेरणा, योग से भरा हुआ, और मिल जाए तो फिर वो संयोग है जी, मिल और जाए ना, और नहीं मिलता तो दुर्योग है, दुर्योग है। तो आज की इस चर्चा परिचर्चा का जो सार था वो ये है कि आप सुखमय जीवन जिए, सर्वे संतु निरामयाः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। योगोत्सव का आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं अपने हृदय की अतल गहराइयों से उत्तर प्रदेश के विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री हृदय नारायण दीक्षित जी को, और योग गुरु योग प्रशिक्षक श्री सुनील दत्त तिवारी जी को, और सुबह से अनवरत जो तमाम हमारे कार्यक्रम में कलाकारों ने भाग लिया, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और अब समय है आपसे विदा लेने का। तो दूरदर्शन परिवार की ओर से, दूरदर्शन की पूरी टीम की ओर से योगोत्सव का लाइव टेलीकास्ट देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।